न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल में इस वक्त हमारे साथ है पंजाब के कैबिनेट मंत्री शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला जी। सिंगला जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। सिंगला साहब, एम्बेसडर ऑफ होप, काफी ज्यादा वाहवाही हो रही है पंजाब में, जानना चाहेंगे सादे शब्दों में ये एम्बेसडर ऑफ होप कैंपेन है क्या? आप सबको मालूम है कि कोरोना की महामारी की वजह से हम सब लोग अपने अपने घरों तक सीमित रह गए थे और बच्चे और माता पिता सब कुछ कर बोर हो चुके थे। तो मन में एक ऐसी बात आई कि जो बच्चे घर में बैठ रहे हैं और उनके मन में नेगेटिव फीलिंग जनरेट हो रही है, क्यों ना इसको किसी तरीके से पॉजिटिव में तब्दील किया जाए। तो उसको सोचते हुए, उसको समझते हुए ये कैंपेन को हमने चालू किया, जिसके अंदर एक बच्चा पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या सोचता है। और हमने इस कैंपेन को 8 दिन पहले लॉन्च किया था। बच्चों को ये कहा गया था कि 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक का वीडियो अपना अपलोड करें, और बच्चों ने उस वीडियो को अपलोड किया। कल रात को 12 बजे तक का वक्त था। खुशी इस बात की है कि पूरे पंजाब के अंदर से 1,06,000 बच्चों ने 8 दिन में इस कैंपेन के अंदर हिस्सा लिया, भाग लिया, और बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस अपनी थॉट्स, अपनी इंटेलेक्ट लेवल के माध्यम से उन्होंने अब स्किट्स के रूप में, पोएम्स के रूप में, स्पीच के रूप में, डांस के रूप में उन बच्चों ने अपने अपने वीडियोस को अपलोड किया। और खुशी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उन बच्चों का इसलिए धन्यवाद करता हूँ, पेरेंट्स का, माता पिता का और टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि आज ये जो कैंपेन चली, ये जो कंपटीशन चला, इस कंपटीशन को वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी देखा जा रहा है, क्योंकि आज से पहले जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का रिकॉर्ड था वो 47,000 बच्चों का था। कोई फिलीपींस की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने कोई कैंपेन कंपटीशन किया ऑनलाइन, जिसके अंदर 47,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो आज अगर इसका आंकड़ा देखा जाए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोगों ने आकर हमारे से ऑनलाइन बात की है, हमने अपना डाटा उनको भेजा है, बातचीत चल रही है, और आने वाले वक्त में ये बात जरूर होगी कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिलेगा। और मेरा सबसे बड़ा धन्यवाद एक बार फिर उन बच्चों को और उनके माता पिता को और उनके टीचर्स को, जिनकी वजह से पंजाब को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस चीज के लिए स्थान मिलेगा। बिल्कुल सिंगला साहब, अगर इस कैंपेन की बात करें, इस रिस्पॉन्स की बात करें, रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिला है, लेकिन जो प्राइजेस आप देंगे उसमें किस तरह से फेयर है और फेयर ऑफ प्ले कैसे रहेगा कि किसी भी तरह से उन बच्चों को ही क्रेडिट बेसिस पे जो प्राइज है वो मिलेगा, उसको लेकर क्या तरीका ऑप्ट किया जाएगा? जहां पर तरीके की बात है, टोटल मेरिट पे होगा। 50 लोगों की हमारी टीम है और मैं उसके अंदर खुद बैठकर इन वीडियोस को व्यूज कर रहा हूं। अपने रिश्तेदारों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके बच्चों ने, उनसे मैंने माफी मांगी है कि उनके बच्चों को हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, ताकि बाकी बच्चों को फेयर प्ले मिल सके। सारे बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं और जिसने पार्टिसिपेट किया मैं सभी बच्चों को विनर समझता हूं। तो और सभी बच्चों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। देखने की बात यह है कि कौन से वो बच्चे हैं जो 22 जो पंजाब के जिले हैं उनके अंदर से पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन में आएंगे, उनकी मेरिट के आधार पर उनकी चयन होगी। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि # एम्बेसडर्स ऑफ होप के अंदर सभी बच्चों ने जो वीडियोस लोड किए हैं वो सभी की सभी वीडियोस को कोई भी कहीं पर बैठकर भी व्यू कर सकता है। तो इसलिए इसके अंदर वैसे ही बहुत बड़ी पारदर्शिता है। हम देखेंगे कि किस किस फील्ड के अंदर बच्चे ने परफॉर्म किया है। जैसे हमने 4-5 एरियाज बताए थे, पोएम की बात की, स्किट की बात की, गाने की बात की, स्पीच की बात की, उस सब चीजों को बच्चों ने किस प्रकार से अपने अपने को रखा है, तो उसके हिसाब से हम उनको प्राइजेस में वैल्यूएट करेंगे। 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था, पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा के बच्चों को एक ब्रैकेट में रखा था, 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों को हमने दूसरे ब्रैकेट में रखा था। एक ही मकसद है, चाहे 50 कॉन्सोलेशन प्राइजेस की बात है, कि हम सब लोग मिलके पंजाब के जो बच्चे हैं, जो पंजाब का भविष्य है, उनके अंदर टैलेंट है, उसको उभार सकें। और मीडिया के लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चों की वीडियोस मैं वक्त वक्त पे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर रहा हूं, उसके अंदर भी वो देखें कितना टैलेंट बाहर निकल कर आया है। और इस बात की सराहना, केंद्रीय वजीर का भी हमारे को फोन आया था, उन्होंने भी इसकी सराहना की है। तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस कैंपेन के अंदर कंट्रीब्यूट किया और इसकी सक्सेस के लिए काम किया। सर, एक स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, 10वीं और 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं,
सो उनके एग्जाम्स को लेकर काफी असमंजस पड़ा हुआ है। और खास तौर पे अगर मैं पंजाब की बात करूँ, लगातार क्योंकि आज भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि एक अच्छी खबर देंगे, तो सर उनके भविष्य को लेकर किस तरह की प्लानिंग है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने कर रखी है? जहाँ तक 12वीं कक्षा के बच्चों के एग्जाम्स की बात है, आप सब जानते हैं कि भारत सरकार ने नीट का एग्जाम और JEE का एग्जाम ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। तो उसके आधार पर हम सोच रहे हैं कि उसके पहले किस प्रकार से 12वीं कक्षा के एग्जाम्स को कराया जाए। और जहां तक 10वीं कक्षा के एग्जाम्स की बात है, पंजाब के अंदर जो एक्सपर्ट कमेटी बना था उनकी रिपोर्ट आई है कि आप 10वीं कक्षा के जो प्री बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं उनके रिजल्ट्स के आधार पर, इंटरनल एग्जाम्स के रिजल्ट के आधार पर बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दो। उसके ऊपर उनकी रिकमेंडेशंस को हमारा विभाग देख रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम अपनी बात रखेंगे ताकि ये बात का फैसला उनके माध्यम तक हो सके। सर मेरा लास्ट सवाल है, आपने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा था कि बच्चों को जो पढ़ाई है वो टीवी चैनल्स के थ्रू करवाई जाए, सर उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स आया केंद्र की तरफ से? नहीं बिल्कुल, अभी केंद्र की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, पर वी आर ऑल रेडी टू डू। और ठीक है, तो ये थे हमारे साथ एजुकेशन मिनिस्टर विजेंद्र सिंगला जी। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो अम्बेसडर ऑफ होप कैंपेन है उनसे काफी ज्यादा उनको फायदा मिला, खासतौर पर जो बच्चे हैं उनके टैलेंट को दिखाने में काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। ललित शर्मा, न्यूज PHH, चंडीगढ़।